विधिविषयान् राष्ट्रभोगान् सविष्टान् पश्चाचन्यान् समतिविभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शयनैः स्वात्मनिष्ठापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतपुनर्गणनं मात्रवशो नमस्तु नीलम् अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के द्वितीय प्रकरण द्वैतस्थ प्रकरण के रूप में विचार करते हुए यहाँ तक हम लोगों ने पहुँच किया कि पहला प्रकरण आगम प्रकरण में जिसको सुपिवाका के सहारे सिद्ध किया कि जगत में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, उसी को यहाँ पे जो है युक्ति के द्वारा भी सिद्ध करना चाहते हैं और पता चले तो दृष्टांत के माध्यम से पहले स्वप्न को दृष्टांत दिया था। ये जागृत भी मिथ्या है, क्यों? दिखाई देने के कारण स्वप्नों की तरह, ये तो सामान्य अनुमान है। विमता मिथ्या दृश्यत्वाद स्वप्न बने, तो जो दृष्टांत आपने बनाया वो दृष्टांत जो है हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। तो दृष्टांत उभयवादी सम्मत होना चाहिए। तो दृष्टांत जब यहाँ स्वप्न दृष्टांत दिया तो स्वप्न में मिथ्यात्व क्यों क्यों है तो एक एक करके दिखाया, अनुपयुक्त देश, अनुपयुक्त काल, कोई प्रमाण के अभाव, किसी के सहमति के अभाव, आदि अंत वाला होने के कारण, संस्कार जन्य होने के कारण, फिर जो है आपका स्व प्रयोजन को निभा नहीं पाता, इस कारण से जो स्वप्न के मिथ्यात्व को दिखाया गया। ठीक से विचार करने से सभी हेतु में जागृत में भी बैठ जाते हैं। जहाँ पे वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार जगत पूर्ण सर्वं खलु इदम ब्रह्म पुरुष एव इदम विश्वमात्मैव इदम विश्व, इस प्रकार कहते हैं वो सूक्ष्म व्यापक तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान, बाकी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये प्रादितिक है। इसीलिए अनुपयुक्त देश, अनुपयुक्त काल, अनुपयुक्त काल मतलब क्या है कि जितना समय हमारा ब्रह्म की काल उसी हिसाब से ये काल भी थोड़ा सा छोटा ही काल है, थोड़ी देर के लिए दिखाई देते नाश हो जाते हैं। और जिस प्रकार स्वाप्निक वस्तु जागृत में प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, उस प्रकार जागृत वस्तु स्वप्न में प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता, और स्वप्ने जागृत वस्तु जागृत काल में भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता, जिस कारण से हमने जागृत काल में किसी के साथ हमने मित्रता की, हम सोचा हमारे कोई मतलब प्रयोजन के समय ये काम में आएगा, पुत्र मित्र अंत नहीं आता काम में, ये सभी हेतुओं से जो यहाँ पे जो है इसको मिथ्यात्व संस्कार जन्य तो बैठा हुआ है ही। जिस प्रकार स्वप्न भी हम संस्कार के लिए देखते हैं, जागृत वैसे संस्कार के साथ हमारे संस्कार मतलब संस्कार तैयार होता है। इस प्रकार से कथन करने के बाद तब कुछ प्रश्न उठाया कि ये जो सभी यदि कल्पना है तो कल्पना करने वाले का जो व्यक्ति है कल्पना की अधिष्ठान भी मिलता होगा, स्वप्न दृष्ट तक बोलते हैं नहीं नहीं कल्पयति आत्मना आत्मनम आत्मदेव, वो कल्पना की अधिष्ठान जो है आत्मदेव वो मिथ्या नहीं है। ठीक है भाई, अभी जो आत्मदेव कल्पना करना शुरू किया था तो किससे पहला कल्पना किया, बोलता पहला कल्पना जीव की, जीव की कल्पना करके जीव की अनुकूल जिस वस्तु के उस वस्तु की कल्पना की। तो ये जीव की फिर जो जीव अपना जो कल्पना किया उस कल्पना के कुछ हेतु क्या है, बोलते हेतु यही अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। जिस प्रकार कि अनिश्चिता यथा रज्जुर अंधकार विकल्पिता सर्प द्वारा दिविर्भावी तद्वत आत्मा विकल्पित, इस लोग पूरा हो गया थे नहीं, हाँ कहाँ तक पास हुआ था, सत्रह का जो है सत्रह का आधा तो हुआ था लगता है, हेतु फलादि संसार धर्मान अर्थ विलक्षणतया से यहाँ से शुरू होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो जीव जीव कल्पना के लिए निमित्त क्या, क्यों जीव कल्पना किया, इदानी जीव कल्पना निमित्तम निरूपयति, क्यों कल्पना हो गया, क्योंकि जो है अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, तत्व को नहीं जानना ही जो है हमारा अन्यथा ग्रहण के लिए हेतु, वास्तविक वहाँ पे क्या है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देने के कारण अपने संस्कार के अनुसार हम भिन्न वस्तु को समझ लेते हैं वहाँ पे।
तीन मुख्य रूप से हेतु है। तो दृष्टांत में क्या दिया था, जिस प्रकार कि अंधकारे रज्जु अनिश्चिता रज्जु विकल्पिता, अंधकार में रज्जु को निश्चय नहीं करने के कारण विकल्पित हुआ। उसके रूप में सर्प धारा दिवीर भावे है ना, सर्प जल धारा भूचित्र दंड माला कई प्रकार से विकल्पित होते हैं। अंधकार स्वप्न जो वस्तु जैसा है उसको उस प्रकार से ग्रहण नहीं हुआ, यथार्थ ग्रहण नहीं हुआ। तद्वत आत्मा विकल्पित, उसी प्रकार से आत्मा में भी ऐसे ही कल्पना हुआ है। यहाँ पे देखिए इस पंक्ति को, यथा यदि ही पूर्वम, भाष्य में देखिए, यदि ही पूर्वम एवं रज्जु स्वरूपेण विनिश्चिता से, यदि हम ठीक से उसको पहले देख लिए होते यहाँ पे रज्जु है ऐसा निश्चय हो गया होता, न सर्पाद विकल्प भविष्य, तो सर्पाद विकल्प वहाँ पर करते नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि हम पहले से हमारे अंदर ये निश्चय आ जाता है कि मैं ही असत्व पूर्ण व्यापक आत्मा हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यदि ये निश्चय हो जाता है तो फिर अपने को जीव की कल्पना की प्रश्न ही नहीं आए। इसलिए हम बोलते हैं यथा, जिस प्रकार हमारे हाथ पैर के प्रति हमारा पूरा धीरे अंधकार में भी कहीं भी पड़ा हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी मेरा हाथ उंगलिया सब मेरे को समझ में आता है क्योंकि अनुभव हो गया ये। इसलिए बोलते हैं यथा स्वहस्त अंगुल्य आदि, जैसे अपने हाथ उंगली आदि में हमें कभी शंका नहीं होती। यही इस विषय में दृष्टांत है। देखिए इसी के ऊपर अच्छा भाष्य को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर टीका में आता है। तद्वत हेतु फलादि संसार धर्मान अर्थ विलक्षणतया न संसार धर्म अनर्थ विलक्षणतया सेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण अनिश्चितत्वात् जीव प्राणादि अनंत भाव भेदे आत्मा विकल्पित इति एष सर्व उपनिषदां सिद्धांत। ये दृष्टांतों के द्वारा आप समझ, तद्वत ठीक उसी प्रकार से जैसा रज्जु स्वरूप का निश्चय नहीं होने के कारण जहाँ पे वहीं पे क्या हो गया, हमने रज्जु की जगह पे भिन्न भिन्न प्रकार से सोच लिया, कल्पना कर लिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से अपने स्वरूप का निश्चय नहीं रहने के कारण हम अपने को कई प्रकार से कल्पना करते रहते हैं। पहले तो सबसे पहले कल्पना किया मनुष्य, फिर उसके बाद क्या किया पुरुष, उसके बाद जात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध, फिर बौद्धिक योग्यता में बुद्धिमान में ये डॉक्टर ये इंजीनियर कितना सारे आरोप कर लेते हैं आत्मा के ऊपर। ये शब्द तद्वत हेतु फलादि, मतलब हेतु मतलब इस कर्म को करके ये प्राप्त होता है आदि से क्या लेते हैं उसका फल, उसके साथ उसका जो संस्कार जो अंदर जाते हैं, ये सब संसार धर्म जाए अनर्थ रूप उससे विलक्षणता है, इससे विलक्षण रूप में विद्यमान क्या है स्वयं विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता है ना, अपना जो शुद्ध ज्ञान मात्र है वहाँ के, इस प्रकार के जो अपना सत्ता है उस सत्ता अद्वय रूपेण अनिश्चितता भेद रहित रूप से इसका निश्चय नहीं होने के कारण है ना। देखिए क्या बोलते हैं, मैं हूँ और चेतन हूँ इस विषय में अनिश्चयता नहीं है। कहाँ पर निश्चयता नहीं है कि भेद रहित पूर्ण व्यापक मैं हूँ इसका निश्चय नहीं है। इसलिए अभी बोलते हैं स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण भेद रहित अवस्था में जो है अनिश्चितत्वा उसको निश्चय नहीं होने के कारण जीव प्राणादि अनंत भाव भेदे, पहले जीव फिर प्राण हिरण्यगर्भ फिर उसके बाद मन बुद्धि फिर कितने सारे भिन्नता को बना लेता है अनंत भाव भेद अनेक अनेक प्रकार की विद्यमान विशेषता के साथ अपने ऊपर का आत्मा विकल्पित आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पित हुआ है ना विकल्पित है। इति एष यही जो है सर्व उपनिषदाम सिद्धांत, समस्त उपनिषद का मुख्य सिद्धांत तो यही है कि अधिष्ठान तत्व के ज्ञान नहीं होने के कारण ही हम अपने ऊपर अनेक प्रकार की वस्तु के बोझ आरोप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम जहाँ पे शुरू किया था यहाँ पे टीका में रज्जु एव एक दो तीन चार पाँच, पांचवा लाइन में देखिए पांचवा लाइन में कि एवमेव उसका रज्जु एव एव इति अनेन प्रकारेण इति अर्थ, ये रज्जु ही है इस प्रकार से निश्चय नहीं होने के कारण हम उसको कल्पना करते हैं। उक्त अवधारण राहित्य कारण सूचयति, मैं इसको निश्चय क्यों नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया कि वहाँ पे मंद अंधकार था, ठीक से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, उसके साथ हमने ध्यान भी नहीं दिया मानसिक कई प्रकार से कि मतलब प्रमाता में दोष फिर प्रमेय वस्तु में दोष कई कारण से हमें इससे भ्रांति होती है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मुख्य रूप से प्रमाता जो है क्या होता है कि अधिष्ठान तक और साथ में एक माइक संसार की जो संस्कार जन्म अंदर से बैठे वो भी है, वस्तु को ठीक से देखने के लिए नहीं देते हैं, बस ऊपर ऊपर व्यवहार करने के लिए जितना चाहिए उतना ही हम देखते हैं। इसी अंत रज्जु एवं अनेन रूपेण इति अर्थ अनिश्चितत्व उक्त अवधारण रहित कारण सूचित, इस प्रकार अवधारण हम क्यों नहीं कर पाए क्योंकि मंद अंधकारे
अब हजको ठीक से लेकिन सर्प उदक थारा दंड इति व अनेक कथा विकल्पिता भगवती ये क्या हो सकता है, इस प्रकार से विकल्प करते हैं। मंद अंधकार इसके पीछे कारण है, क्यों ऐसा हुआ, पूर्व स्वरूप अनिश्चय निमित्तम, उसका स्वरूप को पहले हम निश्चय नहीं कर पाया था, इसलिए मैं बताया दृष्टांत तो क्या दिया था, एक ही फैक्ट्री में कई व्यक्ति एक जगह पे काम कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को बस जिम्मेदारी था कि भाई सारा चीज को सामान हमने भर के रखा, वो रस्सी उठाना भूल गया था, अंदर हो गया, उस व्यक्ति को पता है कि यहाँ पे रस्सी पड़ा हुआ, इसलिए उसको डर भी नहीं है कुछ नहीं, बाकी जिनको समझ में नहीं आया वो वहाँ पे कल्पना कर रहा है, इसलिए उसका निश्चय होने के कारण पूर्वम रज्जु स्वरूप निश्चयात् प्राक अवस्था या पूर्वत, पहले अवस्था में कि मैं यहाँ पे रज्जु ही पड़ा हुआ अंदर दिखाई दे चाहे ना दे, रज्जु है यहाँ पे से निश्चय होने के कारण वहाँ पे भ्रांति नहीं होता, भ्रांति नहीं होता। सर्पादि कल्पनाया अन्वय व्यतिरेक सिद्धम उपादान उपन्यस्वती, अन्वय क्या है कि स्वरूप निश्चय की अभाव है तो कल्पना होगा, जहाँ जहाँ स्वरूप निश्चय की अभाव वहाँ वहाँ भिन्न भिन्न कल्पना, आज जहाँ स्वरूप निश्चय की अभाव नहीं है वहाँ कल्पना भी नहीं है ना, जहाँ कल्पना नहीं है वहाँ पे स्वरूप निश्चय की अभाव नहीं है, ठीक है ना, ये अन्वय व्यतिरिक के माध्यम से अपने स्वरूप को निश्चय कर यदि हम कर पाएंगे तो हमें भी जीवत्वादि विकल्प नहीं होगा, मन में ऐसी भ्रांति नहीं होगी, इसलिए बोलते हैं कि सर्पादि कल्पनायाम, सर्पादि कल्पनाओं में अन्वय व्यतिरेक सिद्धम, अन्वय मतलब जब तक हमारा मतलब स्वरूप का निश्चय नहीं होता, रज्जु स्वरूप का निश्चय के अभाव के कारण जहाँ सर्पादि कल्पना होती है, इसे जहाँ सर्पादि कल्पना नहीं है वहाँ क्या हो जाएगा, रज्जु स्वरूप का निश्चय का अभाव नहीं है, रज्जु स्वरूप का निश्चय है, ये बोलते हैं व्यतिरेकम शुद्धम उपादान उपन्यस्य, इसको जो उपादान क्या हो उपन्यस कर, स्वरूप पूर्वम स्वरूप अनिश्चित अनिश्चित नियत निमित्तम, उसका स्वरूप तो निश्चय नहीं हो पाया था इस कारण से हमने कल्पना की थी, ये तदेव व्यतिरेक द्वारा विभिन्नोती, यदि उसका स्वरूप निश्चय हो गया होता तब क्या होता, कल्पना नहीं होता, यदि ही पूर्वमेव रज्जु स्वरूप निश्चितम से यत्र यत्र रज्जु स्वरूप निश्चय तत्र तत्र विकल्प नास्ति, जहाँ रज्जु स्वरूप के विकल्प आपका अनिश्चय नहीं है वह कल्पना है, ये हो गया अन्वय व्यतिरिक्त बोलता है, ये तदेव व्यतिरेक द्वारा विभिन्नोति, यदि ही पूर्व में वह रज्जु स्वरूप निश्चित आशा, यदि पहले रज्जु स्वरूप द्वारा निश्चय हो गया होता न सर्वादि विकल्प भविष्य सर्वादि विकल्प का होना संभव नहीं होता, ये व्यतिरिक्त दिखा दिया, ठीक है ना, यदि ही अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं टीका में, देवदत्तस्य स्वहस्तादि अवयवेषु तदरूपेणेव निश्चितेषु, देवदत्त अपने हाथ मतलब शरीर के अवयव, जिस प्रकार हमने इसको निश्चय कर लिया हमारे हाथ में पांच उंगली है, चाहे कितना भी घोर अंधेरा हो हमको दिखाई दे चाहे ना दे, परंतु ये निश्चय हमारा बना ही रहेगा, इसलिए बोलता है देवदत्तस्य हस्तादि अवयवेषु तदरूपेण, अवयव कुछ रूप में निश्चय हो जाने पर, ठीक है ना, तो कल्पना ना भवति, ये अभिप्राय है यहाँ पे, सर्पादि विकल्प यथा न उपलभ्यते, जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप वहाँ पे दिया बोला ना कि रज्जु रज्जु स्वरूपेण निश्चिते, नीचे सेकेंड लाइन में देखें रज्जु स्वरूपेण निश्चिते सर्पादि विकल्प यथा न उपलभ्यते, यहाँ ऐसा न करना पड़े, रज्जु स्वरूप निश्चिते सर्पादि विकल्प न उपलभ्यते यथा स्वहस्तमूल्यादिषु, ये दृष्टान्त है, ये व्यक्ति देखा कि दृष्टान्त दे दिया, चलिए बोलते हैं यथा रज्जु स्वरूप निश्चिते सर्पादि विकल्प न उपलभ्यते तथा पूर्ववर्तिनी अपी, जो सामने दिखाई दे रहे जो वस्तु वहाँ पे भी यदि हमारा अपना स्वरूप ज्ञान हो जाता तो हमें जीवादि विकल्प नहीं होता, इसलिए बोलता है देवदत्तस्य स्वस्तादि अवयवेषु तदरूपेण निश्चितेषु, सती सप्तमी है, ऐसा निश्चय हो जाने पर सती सप्तमी सर्पादि विकल्प यथा न उपलभ्यते तथा पूर्ववर्तिनी अपी रज्जु स्वरूपेण निश्चिते न सुयुक्त, इसलिए पहले दिखाई सामने दिखाई पड़ रहा है यदि रज्जु उसका स्वरूप यदि पहले निश्चय हो गया होता तो सर्पादि विकल्प होना युक्ति संभव नहीं होता, तथा च रज्जु अज्ञानात एव सभवति, इसलिए क्या होता है रज्जु स्वरूप के अज्ञान से ही हमें सर्पादि भ्रांति होती है, किसी प्रकार से यहाँ भी अपने स्वरूप के अज्ञान ही जीवत्व कल्पना के लिए है ना, इसलिए यही माया है यही कल्पना के लिए होते हैं, इसलिए बोलते हैं रज्जु अज्ञानात एव सभवति, मतलब स विकल्प भवति इति अर्थ, उस प्रकार विकल्प होता रहता है, उपपादितम दृष्टान्तम अनुद्य द्राष्टान्तिकम अभिधान चतुर्थ अभिधान चतुर्थ पादार्थम आह, ठीक है, जिसको उपपादितम दृष्टांत प्रतिपादन कर दिया, जो दृष्टांत में दृष्टांत क्या है रज्जु स्वरूप, रज्जु स्वरूप के ज्ञान से रज्जु के ऊपर सर्पादि कल्पना वो बंद हो जाता है,
ठिकाने दृष्टान्त ढंग से बताए उपपादित प्रतिपादन कर दिया गया जिस दृष्टांत को दृष्टांत अनुदुष को दोबारा अनुवाद करके दोबारा बोल करके दृष्टांतिकम अभिदधान दृष्टांत में घटा करके कहते हुए चतुर्थ पाद को ला रहा है उसका तद्वत आत्मा विकल्पित चतुर्थ पाद है ना जिसे बोलता है एष दृष्टांत आत्मा के विषय में भी यही दृष्टांत को समझ लेना अपने विषय में भी यही दृष्टांत को समझ लेना अपने स्वरूप के निश्चय के अभाव के कारण ही तुम जो है अपने को जीव मान करके जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रांति से घूम रहे यह अभिप्राय से यहाँ पे बोल रहे हैं एष दृष्टांत हेतु फलादि इति आदि शब्देन कर्तृत्व भोक्तृत्व राग देशादि गृहते हेतु फलादि कहाँ आया ठीक इसे दृष्टांत के बाद भाष्य में क्या लिखा तद्वत हेतु फलादि संसार धर्म अनर्थ विलक्षण ठीक है ना ये हेतु फलादि संसार धर्म ये अनर्थ रूप है इससे विलक्षण है कौन आत्मस्वरूप इसलिए यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे आदि से क्या लेंगे हेतु फल आदि आदि से क्या ग्रहण करना है बोलते हेतु फल आदि इति आदि शब्द ना वहाँ पे आदि शब्द के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व राग देश आदि यहाँ भी एक आदि फिर जो शब्द जो होता है ये सब आदि एक ऐसा शब्द है कई चीज को ग्रहण करवा देते हैं लंबा चौड़ा पद से बचा देते एक्सेट्रा हेतु फल आदि इति आदि शब्द न कर्तृत्व भोक्तृत्व राग देश आदि गृहत उसको ग्रहण किया जाता है कौन सा आदि समझ में आया हेतु फल आदि भाष्य में लास्ट है वो आदि का ही अर्थ ठीक है फिर उससे विलक्षण बोला ना अनर्थ विलक्षणतया शेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता तो उसके बोलते हैं विलक्षणतमेव स्फुटयति ये अनर्थ रूप है और वो जो है स्वार्थ रूप है इसलिए बोलते हैं इसका विलक्षणता को स्पष्ट करके कहते हैं क्या स्वार्थ है शेन अपना स्वरूप क्या है विशुद्ध श्वेन अपना विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता देखिए शुद्ध ज्ञान सत्ता मतलब शुद्ध ज्ञान की विद्यमानता सत्ता मतलब अस्तित्व शुद्ध ज्ञान की अस्तित्व इतना ही मात्र हमारे विशुद्ध स्वरूप है शब्द में स्वेन जो अपना स्वरूप भूत है विशुद्ध विज्ञप्ति मतलब इस विज्ञप्ति में ज्ञान में ज्ञान स्वरूप है इसलिए बोलते हैं विशुद्ध विज्ञप्ति ज्ञानात्मक क्रिया नहीं है और वो मात्र उतना ही मात्र हमारा सत्य मतलब विद्यमान है उस रूप में विद्यमान रहना केवल अस्तित्व रूप में अस्थित रूप में विद्यमान रहना मतलब प्रकाश स्वरूप चेतन हमेशा अस्तित्व को मतलब अस्तित्व के बोध के साथ अस्तित्व के बोध के साथ ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप है इसीलिए पे बोलते हैं विलक्षणत्तम एवं स्फुटयति स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अनारोपितेन ये शेन शब्द का अर्थ क्या कर दिया जिसमें जहाँ पे आरोप नहीं है जहाँ पे अनारोपितेन किसका अर्थ कर दिया ये जो स्वेन पद आया स्वेन तृतीय उत्तरी अंतिम अनारोपितेन इति जावत विज्ञप्ति विशुद्धत्व वहाँ पे बोला विशुद्ध विज्ञप्ति आपका विज्ञप्ति में विशुद्धत्व कैसे आया जी आपने क्या बोला विशुद्ध विज्ञप्ति मतलब विज्ञप्ति को विशेषित किया अपने विशुद्धत्व के द्वारा तो विज्ञप्ति में विशुद्धत्व आया कहाँ से तो बोलते हैं यहाँ पे विज्ञप्ति विशुद्धत्व जन्मादि राहित्व आकार आकारांतर शून्यत्म तन्मात्रत्व से इति अर्थ ठीक है ना विज्ञप्ति विशुद्ध विज्ञप्ति में जो विशुद्धत्व है वो क्या है कि इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है षड्भाव भी करनी है जन्मादि राहित्व फिर आकारांतर शून्य किसी भी एक ठीक है जन्म दूसरा आकार प्रकार कुछ भी आकार नहीं आकार शून्य शून्यतम तन मात्रत्व केवल ज्ञान मात्र मात्र मतलब ज्ञाति मात्रत्व बोध स्वरूप है च इति अर्थ इसका विपरीत अर्थ है इसका अर्थ हो गया शीनो शब्द का अर्थ कर दिया अनारोपित और विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र उसमें क्या कर दिया मात्र जहाँ पे बोध मात्र बोध के भिन्न और कुछ भी नहीं आया शुद्ध चेतन प्रकाश मात्र ये इसका विपरीत अर्थ है अच्छा फिर टीका में तन्मात्रत्वम अयुक्तम सामान्य विशेष भावा इति आशंका आह ये जो आपने कहा ना कि आत्मा शुद्ध आत्मा मतलब बोध मात्र है ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आत्मा में सामान्य भी दिखाई पड़ता है विशेष भी दिखाई पड़ता है आप भी अपने को मैं बोलता है मैं भी अपने को मैं बोलता हूँ तो सभी में मैंपन सामान्य है परंतु प्रत्येक मैं में कुछ विशेषता भी है प्रत्येक मैंने कुछ विशेषता है कि सभी व्यक्ति अपने को मैं बोलते हैं जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो परंतु शरीर दृष्टि से मन मानसिक दृष्टि से बौद्धिक सभी में कुछ भिन्नता पिछले सामान्य और विशेष तो आत्मा घेरे हुए है कोई कहता मैं डॉक्टर हूँ तो कोई कहता मैं इंजीनियर हूँ कोई कहता मैं तो फकीर हूँ तो आत्मा में विशेषता का मैं के साथ ही बोल रहे हैं ना तो आप सामान्य होते हुए भी सब एक ही मनुष्य रूप में दिखाई देने पर भी सभ्य विशेष भी दिखाई पड़ता है आप कैसे कहते हैं कि एक सत्ता मात्र है ये नहीं कहना चाहिए आपको
तन्मात्र सत्य तन्मात्र आत्मा अशुद्ध आत्मा ही है और कुछ नहीं है, ये नहीं कह सकते। तन्मात्र अधुक्तम ये आप नहीं कह सकते, क्यों? सामान्य विशेष भाव आत्मा में सामान्य विशेष भाव दिखाई पड़ता है, सामान्य इत्यादि धर्म धर्मी भावादिति अर्थ। अब धर्म धर्मी भावाद में आत्मा को क्या माना? एक द्रव्य माना। कौन? नए वैशेषिक दर्शन आत्मा को नौ द्रव्य में द्रव्य माना, तो द्रव्य हो गया धर्मी और उसमें रहने वाला धर्म। धर्म क्या है? बुद्धि, इच्छा, देश, सुख, दुख, धर्म, धर्म, प्रयत्न, संस्कार, ये सब नौ धर्म वहाँ पे रहते हैं। इस प्रकार से तुमने आत्मा में भेद अलग अलग करके भिन्नता माना, इसलिए आप बोलते हैं धर्म धर्मी भावादिति अर्थ। तार्किक को मत देना है, तो हमारे मत नहीं है, दूसरेवादी के मत में ऐसे मानते हैं, इसीलिए बोलता है सामान्य विशेष भावाद इति आशंका। ऐसा कोई शंका करते हैं? बोलते नहीं नहीं, सत्ता मात्र सत्ता इति अद्वय रूपेण, वो एक वो विद्यमानता अद्वय मतलब भेद रहित रूप में, भेद अद्वय मतलब भेद रहित मतलब सजातीय विजातीय सर्वत भेद से रहित एक शुद्ध सत्ता मात्र। इसलिए बोलते हैं सत्ता अद्वय रूपेण, इस प्रकार से निश्चय नहीं होने के कारण अनिश्चितत्वात्, है ना, इस प्रकार से निश्चय नहीं होने के कारण हेतु ने पंचमी अर्थ में हेतु अर्थ में दिया हुआ है, निश्चय नहीं होने के कारण क्या हुआ तब? हम जीव प्राणादि अनंत भाव भेदे आत्मा विकल्प, जैसे आत्मा अपने में जीवत्व के आरोप किया, फिर ये प्राण है, ये चक्षु है, इंद्रिय है, देवता है, सारा चक्ष ये कल्पना कर लेते हैं। इसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो कि अद्वय रूपेण अनिश्चितत्वात् जीव प्राणादि अनंत भाव भेदे अनेक प्रकार विद्यमान विशेषता के द्वारा भेद विशेषता के आत्मा विकल्पित, आत्मा विकल्पित होता है। इति एष सर्व वेदांत उपनिषदां सिद्धांत। आप देखिए यहाँ पे प्रत्येका क्या लिखते हैं, न च तत्र अन्नत अस्ति सुखम इति मत्वा विष्णुष्टि। अब सोचेंगे नहीं वहाँ पे तो सुख दुख आदि है, बोलते हो स्वरूप से भिन्न होकर के सुख दुख नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बोले ना ये इच्छा देश धर्म धर्म पर सुख दुख धर्म धर्म पर आत्मा के धर्म है, बोलते आत्मा भिन्न अलग करके सुख वहाँ पे नहीं है। प्रमाण क्या है? सुषुप्ति में देखो आप उठ करके बोलते हो मैं आनंद सर्व सुख से सोया था, पर वहाँ पे क्या था आपके पास? आत्मा से भिन्न करके क्या था आपके पास? सुख भोगने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी कि आत्मा सुख स्वरूप ही है, सुख के लिए अलग कोई नहीं है। इसलिए बोलते हैं न च तत्र उस अवस्था में स्वरूप की ज्ञान होने पर अन्य दृष्टि सुखम उससे आत्मा से भिन्न करके कोई सुख है ये आप नहीं कहा जा सकते। मत्ता इसको मन में रखते हुए विष्णष्टि व्याख्या वहाँ पर उसको व्याख्या करते हैं कि अद्वय इति अद्वय मतलब वो भेद रहित अवस्था। उसी को देखिए बोलते हैं सच्चिदानंद अद्वय आत्मा अविद्या विलसितम द्वैतम इति अत्र प्रमाणम सूचयति। इसीलिए क्या हो गया कि वास्तविक आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद रूप। आज यहाँ पे सच्चित और आनंद तीन वस्तु नहीं है तब आपका अद्वैत सिद्धांत ही हानि हो जाएगा। यदि सच्चित और आनंद तीन अलग अलग वस्तु होता तब क्या होता? आपका अद्वैत सिद्धांत ही हानि, एक भी है तो सगत भेद हो जाएगा उसमें, अलग करके नहीं है। सत अलग, चित अलग, आनंद अलग, ऐसा नहीं है। एक ही में सत चित और आनंद तीन यदि अलग अलग धर्म होता तब क्या होता? स्वगत भेद होता है कि नहीं? परंतु यहाँ पे जो सतरूप है वो चैतन्यमय है और पूर्ण होने का आनंद रूप ही है वही, है ना। इसीलिए आप बोलते हैं कि यहाँ पे सचित आनंद अद्वय आत्मा सत चित आनंद रूप भेद रहित जो आत्मा है वो अविद्या के विलास है। अविद्या के विलास मतलब अविद्या के खेल है वहाँ, है ना, अविद्या के खेल से द्वैतम वहाँ पे भेद दिखाई पड़ता है। इति अत्र इस विषय में प्रमाणम सूचयति, प्रमाण को कहना चाहते हैं। इति एष सर्व उपनिषदाम सिद्धांत, हमारे सिद्धांत नहीं है और उपनिषद दर्शन ही कहते, उपनिषद में ही कहा गया। इति एष, अब देखिए यहाँ पे कहाँ कैसे कहें, अद्वैत श्रुतः तावत, जो भेद भेद श्रुति ये ऐसे इस प्रकार से अद्वैत श्रुतः तावत तत्र, है ना, तत्र तत्र उपलभ्यंत, जहाँ पे जो है वेदांत में जो है तत्र क्यों बोल रहे हैं, प्रकरण के मतलब ये तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग के द्वारा जहाँ पे निश्चय किया गया है उस स्थान पे क्या हो गया, अद्वैत सूत्र स्थापित तत्र तत्र उपलभ्यंत इस विषय में प्राप्त होता है। यहाँ एक दृष्टांत दे रहा है, जत्र द्वैतमिव भवति तदितर इतर पश्यति यत्र सर्व आत्मा बाहू तत्नक पश्यति वृदान श्रुति, ठीक है ना, शाम मैत्री ब्रह्म में आया हुआ इत्याद्यश्च इस प्रकार की स्थिति द्वैत तत्प्रतिभाषयोः भेद और भेद की प्रतीति, भेद और भेद द्वैत और तत्प्रतिभाषयोः उसकी प्रतीति, भेद और भेद की जो प्रतीति है ना
वृषत्व आवेदयत्व, तो ये दोनों ही मिथ्या है। इसको विद्धक से बंत आवेदयंत हमको बोध कराते हुए श्रुतयो श्रूयन्ते, इस प्रकार श्रुति वाक्य को सुना जाता है, वेद में सुना जाता है श्रुतयो श्रूयन्ते। ठीक है, इससे सुंदर कितना शब्द लिखा, अद्वैत श्रुतयस्ताव तत्र तत्र उपलभ्यन्ते। अद्वैत श्रुति इस विषय में अलग अलग उपनिषद में प्राप्त होता है। इस प्रकार से यत्र द्वैतम इव भवति तदितर इतरम पश्यति इदं सर्वं जगदयम आत्मा, है ना, पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम कलि इदम ब्रह्म आत्मैवेदगम सर्व, बस एक ही रूप में प्रतिपादन करते हैं उसको। इत्याद्या द्वैत तत्प्रतिषेधयो, द्वैत और उसकी प्रतिभाषय और उसकी जो प्रतीति होते हैं उन दोनों का मृषत्तम आवेदन, तो इसमें पारमार्थिकता नहीं है। इसको बोध कराते हुए आवेदयंत प्रथम बहुवचन, श्रुतय प्रथम बहुवचन, श्रूयंते सुना जाता है उपनिषद में, इस प्रकार वाक्य को सुना जाता है। तेन अद्वैतम तत्तम, इस कारण से अद्वैत पारमार्थिक है। द्वैतम अविद्या विजृंभितम, द्वैत क्या होता है, स्वरूप के अज्ञान के कारण वो अभिव्यक्त विजृंभितम, मतलब जम है लेते हैं ना, मुंह खोलते हैं तब वो दिखाई पड़ता है, अविद्या विजृंभितम। इसलिए बताए ना ही अस्ति अविद्या मनुष्य अंतरे नही अस्ति मनुष्य अंतर, मन ही अविद्या भगवंत हेतु, तस्मिन विजृंभित सकलम विजृंभितम, तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टे, विवेचनमन्यस्य नहि अस्ति अविद्या मनुष्यान्तरेण, मन ही अविद्या भगवन्द है, ये मन ही अविद्या का अविद्या नहीं दिखाई पड़ता है, अविद्या का कार्य दिखाई पड़ता है मन अंतकरण। तस्मिन् विजृंभिते, मन जब अपना मुंह खोल देते हैं, सकलं विजृंभितं सारा संसार दिखाई, तस्मिन् विनष्टे जो स्वरूप में लाया जाता है सकलं विनष्टे। मनुष्य अमनि भावे द्वैतम नहीं उपलभ्यते, मन को यदि अमन कर सकते हैं तो फिर द्वैत प्रपंच उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए आप बोलते हैं कौन सा द्वितीय वाला, ये न मनुष्य में, ये शायद उपनिषद का श्लोक है, मनुष्य ये मनुष्य अमन द्वैत में, ये मानव कारिका में आएगा, मानव कारिका में आएगा, मानव कारिका में आएगा कि तत्तम आवेदयंत श्रुतयो श्रूयन्ते, इसको बोध कराते ही श्रुति वाक्य सुनाई देते हैं। तेन अद्वैत तत्व, इसलिए अद्वैत ही पारमार्थिक तत्व है। द्वैतम अविद्या विजृंभित, द्वैत तो अविद्या की विलास है, पहले ही बोल गया, इति प्रमाण सिद्धम इति अर्थ, ये जो है प्रमाण के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध होता है ना, क्योंकि अन्य प्रमाण कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान ये कुछ भी वास्तव होगा ना, वो पारमार्थिक वस्तु को बोध नहीं कर पाते, उसका योग्यता ही नहीं है उसमें, जो एक मतलब श्रुति वाक्य में शब्द प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है, वो जो वस्तु जैसा है उसको उसी प्रकार से बोध कराते हैं। शब्द प्रमाण में विशेषता है, जो वस्तु कभी जिस प्रकार कोई सुनता है कि नीचे वाले व्यक्ति सुनता है गंगोत्री में एक गंगोत्री माता की मंदिर है, तो परोक्ष ज्ञान होगा, परंतु वही व्यक्ति आके जब देखेगा तब उसको अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसी प्रकार से शब्दों में ये सामर्थ्य है कि परंतु नाश नहीं होता, जो वस्तु जैसा है जिसकी परोक्ष ज्ञान होना संभव उसको परोक्ष ज्ञान करें, जिसको अपरोक्ष ज्ञान होना है उसको अपरक्ष, जिसको प्रत्यक्ष होना संभव उसको प्रत्यक्ष भी कराते हैं, शाब्दस प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 17 नंबर पूर्ण हो जाता है। अब क्या होगा, तो ये मिटेगा कैसे, तो कैसे मिटेगा, रज्जु स्वरूप को ठीक से जानो तब भेद नहीं दिखेगा। इसीलिए आप बोलते हैं आगे, अविद्या कृता जीव कल्पना इति अन्वय मुखेन उक्तम तद एव इदानीं व्यतिरेक मुखेन दर्शयति। ठीक है ना, यत्र यत्र अविद्या तत्र तत्र जीव कल्पना। ठीक है ना, अब क्या होगा, व्यतिरेक हो जाएगा, जहाँ जीव कल्पना नहीं है वहाँ अविद्या भी नहीं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अविद्या कृता जीव कल्पना इति अन्वय मुखेन उक्तम, उसको अन्वय मुख से कथन करने के बाद तदेव, उसी को ही मतलब अविद्या नहीं है तो जीव कल्पना भी नहीं है, तदेव इदानीम अब व्यतिरेक मुखेन दर्शयति, है ना, व्यतिरेक मुख के द्वारा मतलब उल्टा करके, जैसे मृत्तिका सत्य घट सत्य, मृत्तिका भावे घटाभाव, इसलिए अविद्या सत्य जीव सत्यम, अविद्या भाव जीव भाव, यही होगा सामान्य। यहाँ पे बोलते हैं अविद्या कृता जीव कल्पना, अविद्या के द्वारा किया हुआ है जीव की कल्पना, यदि अन्वय मुखेना उक्तम, इसको लिखा है कि रज्जु के स्वरूप को नहीं जानने का कारण हमको जो है क्या वो सर्वप्रथम कल्पना हुआ, तद्वाद आत्मा विकल्पित, इस नाम पे कथन करने के कारण अन्वय मुखेन उक्तम, तदेव इदानी उसी को ही यहाँ पे व्यतिरेक मुखेना, व्यतिरेक के मुख के द्वारा दर्शयति, उसको दिखलाते हैं श्लोक में, निश्चितायां यथा रज्ज्वां, निश्चितायां यथा रज्ज्वां, विकल्पो विनिर्विकल्पो
निवर्तते विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चद्वैतम् रज्जुरेवेति चद्वैतम् रज्जां निश्चितायां सति यथा जैसे सप्तमी एक बचन रज्ज्वां रज्जु शब्द है ना रज्जु सप्तम एक वचन निश्चित आयाम रज्जु का स्वरूप निश्चय हो जाने पर विकल्प विनिवर्तते उसके ऊपर जितना विकल्प किया था अपने सर को जल झरा भूचित दंड माला वो सब निकल जाता है क्या निश्चय रहता है रज्जु रेव इति रज्जु ही है इस प्रकार से नहीं थी अद्वैतम इस प्रकार से भिन्नता नहीं है एक ही वस्तु है वहाँ पर रज्जु रेव इति च अद्वैतम तद्वत आत्म विनिश्चय ठीक उसी प्रकार के आत्मा अपने स्वरूप को लेकर कैसा निश्चय करो ये सब जो है हमारी भ्रांति से अज्ञान से कल्पित है वास्तविक आत्मा स्वरूप में निश्चय करने से अथवा उसको अपरोक्ष रूप से अनुभव करने से तादात्मता छूट जाती है अर्थ छूट जाती है इसका निश्चित आयाम यथा रज्जम विकल्प विनिवर्तते रज्जाम निश्चित आयाम यथा विकल्प विनिवर्तते और क्या रहता है उस समय रज्जु रेव इति च अद्वैतम तद्वद आत्म विनिश्चय ठीक उसी प्रकार से आत्मा के बारे में निश्चय कर लो अब देखिए आप ही टीकाकार दिख रहा है रज्जु एव इति रज्जु ही है और कुछ नहीं है इति मतलब बस इतना ही आत्मा इत्येव उपासित वेदांत बात है आपका शरीर हमारा सृष्टि आदि सर्वरूप का चतुर्थ ब्राह्मण प्रथम अंत है चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका में आत्मा इत्येव उपासित बस शुद्ध आत्मा इतना ही चिंता और कुछ नहीं आत्मा इतनी आत्मा इति बस कुछ नहीं इति मतलब कुछ नहीं इसी प्रकार से ही चिंतन करो मैं शुद्ध असंग व्यापक उसने बोलते हैं रज्जु एव इति मतलब जैसा केवल अधिष्ठान या कुछ भी नहीं है इस प्रकार से रज्ज्वाम निश्चित आयाम रज्जु का स्वरूप निश्चय हो जाने पर तद अज्ञान निवृत्ति रज्जु संबंधित जो अज्ञान था वो मिट जाने के फलस्वरूप तद उत्थ उस अज्ञान के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था सर्पादि विकल्प सर्प जलधरा आदि जो विकल्प था सर्वथा निवर्तते वो पूर्ण रूप से मिट जाता है रज्जु मात्र अवशिष्य क्या बचता है केवल अधिष्ठान ही रह जाता है रज्जु मात्र अवशिष्य केवल इतना यहाँ भी हम शून्यवाद नहीं है हम कि क्या था बोलता कुछ नहीं था शून्य रहेगा बोलते ऐसा बात नहीं है यहाँ पे शून्य है रज्जु मात्र अवशिष्य वो मिथ्या हो जाता है और अधिष्ठान तत्व सत्य बच जाता है तद्वत आत्मनि ठीक उसी प्रकार से अपने स्वरूप में श्रौत निश्चय श्रुति वाक्य ने जैसा कहा तत्संबंधित यदि हम निश्चय हो जाता है जदा संपद्यते जिस समय तद्वत आत्मनि श्रौत निश्चय जदा संपद्यते उस प्रकार से आत्मा में श्रुति वाक्य वेदांत डिंडिंग के द्वारा जब हमारा ये निश्चय हो जाता है बस शुद्ध आत्मा यही मात्र है बाकी जो है सारा कल्पना है तदा उस समय सर्वस्व आत्म अविद्या कल्पितस्य सारा आत्मा की अज्ञान के कारण स्वरूप की अज्ञान के कारण जितना कल्पना हमने किए थे आत्म अविद्या कल्पितस्य जीवादि विकल्पस्य जीव और फिर उसके बाद आपने देवता से लेकर के चीनी जोड़ा शिवक जोनि में अलग अलग संस्कार लेकर के व्यवहार करते सब उस आदि में आ जाएगा तो जीवादि विकल्पस्य व्यवृत्ति वो हट जाने के कारण है ना तब वो विकल्प नहीं उठता मन में नहीं मैं ये भी हो सकता हूँ मैं ये भी हो सकता हूँ मैं कभी देवता हुआ मैं कभी पशु हुआ अभी मनुष्य हूँ बाद में मैं देवता बनूंगी इस प्रकार कोई विकल्प नहीं मैं हमेशा ही शुद्ध चेतन व्यापक मात्र हूँ इतना निश्चय रह जाएगा इसलिए व्यवृत्ति अद्वैतम एवं आत्मत्म परिशिष्यते अद्वैत आत्मभावी विद्यमान रहता है अद्वैत भेद रहित जो आत्मत्व मतलब स्वरूपत्व वही केवल बच जाते हैं परिशिष्यते मतलब जब जिस समय आप अपने स्वरूप के प्रति ध्यान देंगे तब क्या हो जाएगा स्वरूप के ऊपर कल्पना किया गया था जितना भी शरीर इंद्र मन बुद्धि आदि जो भेद बुद्धि वो बिल्कुल जो है रहता तो है दृष्टांत दृष्टांत में इतना भेद रहता है कि प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर तो दिखाई प्रतीत होते हैं परंतु उसमें अध्यास नहीं दुष्ट को प्रतीत तो दिखाई देगा क्योंकि प्रारब्ध है और वो जब तक शरीर का प्रारब्ध तब तक वो दिखाई देने लगेगा जब तक हिमालय की प्रारब्ध है तब तक हमें दिखाई देगा नदी की प्रारब्ध है तब तक दिखाई देगा
जब ये कुछ समाप्त हो जाता है तब फिर क्या होता है, फिर उनको सारा विकल्प मिल जाता है, शुद्ध आत्मत्व अद्वैतम एव आत्मत्व अद्वैत जो भेदरहित सीते वही एकमत्व बचते हैं परिशिष्य थे। तस्मा आत्म अविद्या विद्यम हिता जीव कल्पना इति अर्थ, इसलिए आत्मस्वरूप के अज्ञान से ही जो है अभिव्यक्त हो जाता है क्या, जीव कल्पना। इसलिए अपने स्वरूप पर निश्चय करो तो सारा कल्पित वस्तु वहीं पे लय प्राप्त करेगा। तस्मात क्योंकि अविद्या सत्य जीवत्वम सत्यम अविद्या अभावे जीवत्व अभाव, इस प्रकार से अन्य व्यतिरिक्त के माध्यम से निश्चय हो जाने के कारण तस्मात आत्म अविद्या विजृंभित आत्मा की अविद्या से अभिव्यक्त होता है जीव कल्पना इति अर्थ। अब जो है यहाँ पे बोलता है दृष्टांत भागम व्याचष्टे, दृष्टांत हो गया आत्मा, अदृष्टांत हो गया रज्जु, है ना। तो दृष्टांत भाग यहाँ पे तृतीय पद रज्जु एव इति च द्वैतम तद्वत आत्मा विनिश्चय। तो यहाँ पे देखिए कि दृष्टांत भागम व्याचष्टे क्या बोलते हैं, रज्जु एव इति निश्चये, हर्ष में रज्जु एव इति निश्चय सर्व विकल्प निवृत्त, ठीक है ना। ये रज्जु ही है और कुछ नहीं है, यहाँ पे इस पर निश्चय रहने के कारण हर प्रकार की जो विकल्प हुआ था मत्त मनोवृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की निवृत्ति हो जाने से रज्जु एव, अभी क्या लिखे इति च अद्वैतम, ना रज्जु एव इति, हाँ मतलब एवेति, एकार की मात्रा नहीं है वहाँ पे, है एकाठी मात्रा, देखो ऊपर है, ऊपर देखिए मूल में देखिए रज्जु एवेति दिखाई दे रहा है आपको, और मतलब भाष्य में देखिए उसी को लिखना चाहते हैं रज्जु रे बहुत ही लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे एकाकी मात्रा लगा दीजिए नहीं हो जाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तब हो जाएगा रेवती रज्जु एव इति, इसलिए बताया रज्जु एव इति निश्चय सर्व विकल्प निवृत्त रज्जु एव इति च अद्वैतम, जिस प्रकार भेद रहित रज्जु केवल मात्र समझ में आता है जथा जैसे ही होता था उसी प्रकार से। अब जो एक एक करके निषेधात्मक वाक्य भगवान भाष्कर बोलते हैं, हमारे पास जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण है अथा तो मूर्तामूर्त ब्राह्मण में देवा वो ब्राह्मण है रूपे मूर्तम च एवं मूर्तम ऐसा करके शुरू करते हैं, फिर अपने आप होता था तो आदेश नेति नेति न परम अस्ति, फिर अपने आप ये जो मूर्तामूर्त रूप में जो दिखाया गया था उस सारा को निश्चित करके वो दस आत्म तत्व को समझने के लिए प्रतिज्ञा क्या थे वहाँ पे अलग से ब्रह्म ने प्रवाणी थी मैं आपको ब्रह्म के बारे में उपदेश करूँ एतद अमृतम एतद ब्रह्म एतद सर्वम इस प्रकार उपसंहार करते हैं। मतलब तो यहाँ पे जो है ये जो प्रतिज्ञा है वहाँ पे ब्रह्म थे ब्रह्मानी तो सगुण ब्रह्म के बारे में बोलने लग गया, राजा बोला नहीं था बता भी था प्रबंधी तब कुपत जानी थी मैं पुरुषन में तो विज्ञान परिश्राम ये वो तो इन विशेष ब्रह्म को बोध कराने के लिए पुरुष को ले जाना, फिर इसी के कंटिन्यूस में आया था शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में सीधा करके दिखाया जो मूर्तामूर्त रूप में जो भी कुछ दिखाई पड़ते हैं वो सारा निषेध करके श्रुति अधिष्ठान आत्मा को बोध कराते हैं। इसीलिए बोलते तथा नीति नीति और कहाँ पे आया देखिए जो जाग्ञ बल का साकल लगे संबल पे वहाँ भी चार बार आया अग्रह नहीं गृह अथा तो आदेश नहीं थी अग्रह नहीं गृह तो अशीर नहीं शीर यदि अशित न व्यक्त हाँ यही तो है वहाँ ये बोल के सकल लोग बोल दिया हाँ इसको बोलने के बाद साकल सकल लोग पहले से वहाँ पे उनके ऊपर अभिशाप था कि कहीं ना कोई शास्त्रार्थ में उसका शरीर छूटेगा, जाके बल्कि उसको मतलब सावधान भी किया था देखो ऐसा मत करो तुम्हारा, उसने पूछा उत्तर नहीं दे पाया तो फला तो तुम यदि नहीं दे पाओगे तुम्हारा सर गिर जाएगा, तो गिर गया डर की लेकिन बच डर की बजिया की समझदार थी वो समझदार थी तो फला तो मुझे वो चुप हो करके फिर घूम करके पूछना किया बोले भी थे ना कि गौर मत पूछना हाँ माना अति प्रश्नान पृच्छशील जो प्रश्न करने जो मतलब अनुमान के ऊपर पृच्छ प्रश्न करते जा रहे हो इसके ऊपर ये है इसके ऊपर ये है इसके ऊपर किसके आगे इसके ऊपर कौन है इसके ऊपर कौन अनुमान के आगम के हर सारे प्रश्न तब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर तो प्रश्न किससे होना चाहिए युक्तिपूर्ण आगम को सारे यदि मतलब शास्त्रार्थ में आप किसी गुरु परंपरा सुने हैं सीखे हैं आप दूसरे को परीक्षा करना चाहते पहले आपको उस विषय संबंधित जानकारी चाहिए फिर गार्गी जो दूसरे वराष्ट्र गायन जब अपना अक्षर ब्राह्मण आते हैं तब जो है अपने आप पूछते हैं कि इसके बाद ये और पहले ही बोल दे यदि गार्गी जाग्ञवल इसको उत्तर दे पाएंगे तब समझना है कि इसका कोई और जीतने वाले नहीं हो गया माने लेकिन साकल्ल भी तो उपनिषद में कोई कोई श्लोक लिखा है साकल्ल भी मंत्र स्टडी में थे हम स्वीकार नहीं करते मुख्य रूप से कर्मकांड
तो यहाँ पे जो है कि रज्जु एवं, तो इसका मतलब संत का साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ये आग है, कब क्या हो जाएगा। एक बात सही है, संत के साथ जो है आप ऐसे व्यवहारिक अलग बात है, शास्त्रार्थ को लेकर के मजा अथवा चेतकर नहीं करना चाहिए। शास्त्र को जान करके बोलिए तो ठीक है, अथवा यदि हमको जानने की इच्छा है तो विनय पूर्वक आपके प्रश्न जानने के लिए जैसे चाहिए ना कि तत् गुरुमेव अभिगच्छेत सूत्रे ब्रह्मनिष्ठम समित पर, इस प्रकार के विषय इस प्रकार से वो विनय पूर्वक जानना चाहिए। तब आप परीक्षा करने के लिए जाएंगे तो हंसी मजाक करेंगे आपको, तो उत्तर दे भी सकते नहीं भी दे सकते। आप ये लोग जो है तुमको चिमटा बनाया, चिमटा बनाया, चिमटा मूझ रूपी आँख से तुम जले जा रहे हो, ये लोग उसका मजा ले रहे हैं। अंगार अवक्षया इति, ये सब उनको भी कुछ दंड देना चाहिए। सबसे पहले तो दंड जनक राजा को देना चाहिए, उसने जो पंडितों को भिरा दिया राजा को, कैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए। हाँ यही बात है, यही ज्ञान प्राप्ति के लिए जब होते हैं तब होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है वहाँ पे विद्या तो सभा होते राजा जनक के, उनके अंदर तो जानने की इच्छा ही होती। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अवशिष्य तद्वत आत्मनि श्रोत निश्चय जब समझिस, उस समय इस प्रकार से आत्मा में श्रोत निश्चय जब हो जाता है तो फिर केवल मतलब अब एक मात्र आत्मा ही पश्चय। दृष्टान्त भागम व्याचष्ट, दृष्टान्त भाग क्या रज्जु, इसलिए बोलते यहाँ पे मैं कहाँ घूम गया था, तथा नेति नेति नंबर दिया यहाँ पे नंबर नहीं दिया, हमने तो लिख रखा 4422 क्योंकि मेरे को ही याद आ गया था 4422 इसके पहले भी अमूर्ता मूर्त ब्राह्मण होगा प्रथम द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण, मूर्ता मूर्त ब्राह्मण हाँ द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण इसका जो है चार बार आया, पूर्व ब्राह्मण में भी आया है, फिर अंतिम में भी आया है जब इसको प्रसंग करते हैं, मतलब शरीर शरीर ब्राह्मण छोड़ के भी आया है, नेति नेति करके सीखा पढ़े जैसा द्वैतम भवती निषेधात्मक हो सकता है। अच्छा फिर इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृत आत्म विनिश्चय, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार वहाँ पे क्या बोला था, रज्जु अंधकार विकल्पिता, इसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार से घेरे हुए बुद्धि क्या करते हैं अपने को जीव समझ लेते हैं, इसलिए बोलते हैं सर्व संसार धर्म शून्य, समस्त संचरण करने वाला धर्म से रहित प्रतिपादक शास्त्र जनित, इस प्रकार इसको प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है उस शास्त्र के श्रवण मनन के द्वारा उत्पन्न होता है जनित, उससे उत्पन्न होता है विज्ञान, जो विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान क्या होता है सूर्यालोकृत, जिस प्रकार सूर्य आलोक के समान प्रकाशमय ज्ञान वो क्या होता है अपने अज्ञान को नाश करके, जिस प्रकार रात की अंधेरा को नाश करके सूर्यालोक उदय होता है कि किसी प्रकार स्वरूप के अज्ञान को नाश करके ज्ञान की प्रकाश अभिव्यक्त होता है। इसलिए हमें सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोकृत आत्मविनिश्चय, है ना। जिस प्रकार प्रचंड सूर्यालोक में आप रज्जु को स्पष्ट निश्चय कर सकते हैं, इसी प्रकार शास्त्र पढ़ते 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 अंतकरण शुद्ध होने पर अपने स्वरूप को पक्का निश्चय हो जाए, पक्का निश्चय होते हैं आत्मविनिश्चय होने, तब क्या रहता है आत्मा एव इदम सर्वम, ठीक है ना। सारा संसार देखो ये जो पहला किया बृहदारण्य को उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद के लिए, दूसरा आत्मा एव इदम सर्वम ये सामवेद छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद 7:25 दो ये आत्मा ही वेदगम सर्वम, जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहे आत्मा ही है, 7:25 दो ये आत्मा ही वेदगम, आत्मा से भिन्न संसार में कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा ही एकमात्र व्यापक है, ये हो गया आपका मतलब वेद की दृष्टि से देखिए जो यजुर्वेद और एक सामवेद। अच्छा फिर जो है देखिए आगे बोलते हैं कि अपूर्व अनपर अनंतर अबाह्य, ठीक है ना। पूर्व मतलब क्या होता है पहले कार्यस्य नियत पूर्व वृत्तित्व कारण, है ना, कार्यस्य नियत पूर्व वृत्तित्व कारण, तो इसका पहले कोई नहीं है, न पूर्व विद्यते यस्य स अपूर्व, न पूर्व विद्यते यस्य स अपूर्व मतलब जिसके पीछे कोई कारण नहीं, ठीक है ना। अनपर मतलब कहेगा इसके आगे भी कुछ नहीं है, कार्य भी नहीं है, फिर अनंतर क्योंकि यहाँ पे कोई भेद नहीं है,
व्यापार करने के लिए कुछ नहीं है, और बाह्य इससे क्या है कि जिसको बाहर में कुछ नहीं दिखा जाता, मतलब बस अकेले ही अकेला शुद्ध। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको अलग अलग लगेगा कि अपूर्व अनंतर अनपर अबाह्य, मतलब जिसको बाहरी वस्तु जैसा देखा जाता है ना, ऐसा नहीं देखा जाता। फिर आगे ही बोलते हैं सबाह्य अभ्यंतर ही अलग है ना, तो बाहर अंतर हर जगह पे वही विद्यमान है और जन्म रहता है। ये दूसरा वाला भी बृहदारण्यक है 2:5:19 अपूर्व अनपर अनंतर अबाह्य 2:5:19 वाला तो छांदक इसके पहले वाला आत्मा छांदक अलग अलग वेद को देखिए आप, शुक्ल वेद, शुक्ल यजुर्वेद, आपका साम वेद, फिर यजुर्वेद, और ये आपका मतलब शुक्ल वेद यजुर्वेद का माध्यम दिन कारण दोनों में आया हुआ सब आई अभ्यंतर अजय मुंडक उपनिषद अथर्व वेद अथर्वेद मुंडक 2:1:2 दिव्यो ही अमूर्त पुरुष सबाई अभ्यंतर ही अजय अप्राण यमना शुभ अक्षरा पर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष सबाई अभ्यंतर मूर्ति रहित पुरुष है। ये मुंडक उपनिषद अथर्व वेद है, वो बाहर अभ्यंतर सब जगह पे विद्यमान रहते हुए भी वहाँ पे वो विकार रहित है, अजमत संपूर्ण विकास रहित है। अच्छा तो हमारे पास क्या क्या हो गया, यजु शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद के एक मंत्र यहाँ पे होना चाहिए हजारो अमरो अमृत अभय, ये भी तो वेदार्थक है। आत्मा ही आत्मा ही वेदम अग्र आशिक होंगे, आत्मा ही वेदम अग्र आशिक होंगे। महाराज ये अजरो अमरो कौन सा है? 4:4:25 एक एव अद्वैत, और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा नहीं तुम्हारा की है वहाँ पे है ना ब्रह्म, अरे इसमें आता है सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठा, सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठा, और इतना ये सारा जो है वो सब प्रज्ञान के द्वारा ही चलित होता है। प्रज्ञान इस प्रकार बात होता है एक एव अद्वैत, इस प्रकार भेद रहित एक ही है और सजाते भी ज्यादा सतत भेद से रहित है, ये इसका भी क्या करते हैं अन्य जी सबका अर्थ है कि छोटा छोटा करेंगे। देखिए आत्मैव इदम सत्य आत्मविनिश्चय, यहाँ पे 3 टिप्पणी आपके पुस्तक में यथा सर्वस्य अपि संसार आत्मन धर्म, यहाँ पे देखिए पहले दृष्टांत भागम व्याचस्क टीका यहाँ तक पढ़ लिए थे हमने, टीका कहाँ तक पढ़ा था दृष्टांत भागम व्याचस्ते है ना, उसके बाद ऊपर चले गए थे रज्जु रे वही ठीक है। आगे देखिए तद्वत इत्यादि व्याकृति तद्वत आत्मविनिश्चय उसका व्याख्या करते हैं, क्या करते हैं तथा नेति नेति इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृत आत्मविनिश्चय तथा। देखिए सर्वस्य अपि ठीक है संसार आत्मन धर्मस्य आत्मनि आरोपितस्य असत्व आवेदकम जन निषेध शास्त्र तेन जनितम विज्ञानम एव सूर्यालोक तत्कृत यो अयम आत्मविनिश्चय स एव अद्वितीय शिष्यते बचल। देखिए सर्वस्य अपि संसार आत्मन, जो भी संसार धर्म है यहाँ पे आत्मा धर्म, सर्वस्य अपि संसार धर्म अधर्मस्य क्या है आत्मा को संसार आत्मन संसरण करने वाला आत्मा का जो भी कुछ धर्म दिखाई दे सर्वस्य अपि संसार आत्मन धर्मस्य, ये संसार आत्मा में कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए षष्ठी, क्योंकि एक सर्वस्य अपि संसारात्मन धर्मस्य जितना संसरण करने वाला धर्म है आत्मा जितना रूप धर्म का, यहाँ पे आत्मा शब्द का रूप संसरण रूप धर्म का, फिर क्या होगा आत्मनि आरोपितस्य जो आत्मा में आरोप किया हुआ है असत्य आवेदकम वो पारमार्थिक ने से इस प्रकार बोध कराने वाला जत निषेध शास्त्र असत्य आवेदकम जत निषेध मतलब असत्य को बोध कराने वाला जो निषेधात्मक शास्त्र है अर्थात आदेश इस प्रकार की तेन जनित इस प्रकार श्रुति वाक्य को सुनने से मन में जो वृत्ति उत्पन्न होती है मन में जो वृत्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार देखिए आपने बाजार से कोई एक अच्छा चीज खरीद के लाया
परंतु आपने जैसे ही गाया तो किसी ने कह दिया अरे ये तुम्हारा काम के लिए नहीं है, ये तुम्हारा काम के लिए नहीं होगा। तुरंत आपका मन में एक वृत्ति उठते कि नहीं उठते, हाँ हमने इतना पैसा खर्च करके बोलते हैं इसे क्यों, हो सकता है उसके साथ काउंटर करें पूछो, परंतु आपका मन में होगा। इसी प्रकार क्यों बार बार शास्त्र सुनते सुनते मन में निश्चित ही वृत्ति उत्पन्न होगी कि अरे जिसको मैं सत्य समझ रहा था, जिससे मैं सोच रहा था आनंद मिलेगा, वो वास्तविक नहीं है। क्योंकि श्रुति ऐसा बोलते हैं, ऋषि लोग ऐसा बोल के गए, इसीलिए बोलते हैं कि असत्य आवेदकम जब निषेध शास्त्रम, मतलब ये पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, तुम्हारा उपयोगिता के समय काम नहीं आएगा ये, इससे दोस्ती मत करो। यदि ये निषेध शास्त्र है तेना जनितम, इससे उत्पन्न होता है यद विज्ञानम, जो विशेष ज्ञान वही विज्ञानम, एक वही अलग है जो विज्ञानम एव सूर्यालोक, वो ज्ञान ही सूर्य के प्रकाश के समान है। तत्कृत इस प्रकार सूर्य के प्रकाश कृत, मतलब ज्ञान प्रकाश कृत जो अयम आत्मविनिश्चय, जो आत्म संबंधित जो विशेष निश्चय बिना आत्मसंधि शरीर अद्वितीय, केवल भेद रहित आत्मा ही बचता है, कुछ नहीं बचता, वो संसरण करने वाला धर्म नहीं मिलता। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो सर्वस्व के संसारात्मन नाश की संभव, मैं कहकर बोला ना जगत नाश को लेकर के सरकार आप मत करो, संसरण करने के लिए जो हेतु होता है जो तुमने आपको आरोप कर रखा शुद्ध आत्मा धर्मस्य आत्मनि आरोपितस्य असत्य आवेदकम जो निषेध शास्त्र, असत्य पर भी आवेदन करने वाला जो निषेध शास्त्र, तेन जनितुस उत्पन्न होता है विज्ञानम एव कर्मधारय समझ जैसा है यहाँ पे विज्ञानम, ऊपर तो लिखा है शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक, पूरा एक समास पद है, पूरा एक लंबा उसको अलग अलग करके लिख रहे हैं यहाँ पे, उस विज्ञानी जो सूर्यालोक के समान है तत्कृत, उसी से किया हुआ जो अयम आत्मविनिश्चय, जो इस प्रकार अपने स्वरूप संबंधित विशेष निश्चय, वो क्या निश्चय रहता है, स एव अद्वितीय भेद रहित मेरा स्वरूप है, शिष्य को ही केवल बचता है। दैतम पुनः सर्वमेव व्यापृतम भवति फलत, कहता जितने सारे दैत्य प्रपंच है वो अमनिश्चित कर देते हैं पारमार्थिक शब्द दैत्य पुनः, अद्वैत का क्या होता है सर्वमेव व्यापृतम भवति, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प का, रज्जु का आपने देख लिया तो कहाँ जाएगा वो, कहीं हाँ वो लज्ज में अधिष्ठन में लय प्राप्त कर जाता है, इसलिए बोलते हैं दैत्यम पुनः सर्वम व्यापृतम भवति इति अर्थ आत्मविनिश्चय एव विषमस्ति, ये जो आत्मा ही केवल मात्र बचा रहता है उसको विशेष करके उपदेश करते हैं, विशेष रूप में सिनिष्टि कथन करते हैं। तो वहाँ पे तीन नंबर टिप में आत्मा एव इदम सर्वम, ठीक है ना, भाष्य में तो चलेंगे लास्ट में जो आत्मा एव है उसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, तीन नंबर टिप्पणी कहाँ पे है, तीन नंबर टिप्पणी हाँ आत्मा एव इति, आत्मा एव मतलब आत्मा व्याप्तिमत इति अर्थ है, आत्मा ही पूरा व्यापक है, आत्मा व्याप्तिमत मैं ही पूर्ण व्याप्तिमत हूँ, व्याप्ति वाला आत्मा ही व्यापक है, इस प्रकार सबको समझ में आता है। यह हमको बोलते हैं आत्मा ही एकदम सर्वम, सर्वम इदम आत्तिका में सर्वम इदम आत्मा एव इति उक्ते पूर्णोत्तम तस्य उच्यते, सारा संसार क्या है मैं ही हूँ, इसे क्या सिद्ध हुआ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्य, है ना, ये पूर्ण की पूर्णता जब ग्रहण होता है, पूर्णता मतलब मैं ही पूर्ण व्यापक, ये जब हमको बोध होता है तो क्या बचेगा एक ही पूर्ण ही शेष रह जाता है, इसलिए बोलते हैं सर्वविदम आत्मा एव इति उक्ते, ये सारा आत्मा ही है, इस प्रकार कथन होने से पूर्णतम तस्य आत्मा न उच्यते, आत्मा पूर्ण है ऐसा कथन हो जाता है। पूर्व भाव अब देखिए जो आया है ना वहाँ पे अपूर्व अनपर अनंतर अवाह्य, ठीक है ना, इसका अर्थ कर रहे हैं आनंदगिरि जी ने, पूर्व भाविना कारणेन संस्पर्श सुन्न अपूर्व कार्यस्य पूर्व वृत्तितम कारण, तो पूर्व भावी जो कारण होता है उसके साथ इसका संबंध है ही नहीं, मतलब इसका कोई कारण नहीं है। पूर्व भाविना कारण कारण न पूर्व भावी प्रातिपदिक तृतीय एक वचन है, पूर्व भावी मतलब कार्य का नियत पूर्व वृत्ति जो कारण होता है उसके साथ संस्पर्श सुन्न होने के कारण इसको क्या कहा गया अपूर्व। पश्चात भाविना कार्येन संबंध विधुर, आगे होने वाला जो कार्य उसके साथ तो संबंध रहित होने के कारण क्या हो गया आपका कि अनपर, फिर आ गया अनंतर तथा अनंतर अंतर अनपर तो बोला अभी नहीं सुना आपने, जो दोस्त पहला हो गया आपका पूर्व भाविना कारणेन संस्पर्श सुन्न अपूर्व, पश्चात भाविना कार्येन संबंध विदुर अनपर, अंतर करना अनंतर लिखा है बाबा, वहाँ पे अंतर लिखा है
अंतर लिखा है अभी आपके अंतर मतलब क्षेत्र तक शून्य अनंतर वहाँ पे एक पद छूट गया मान लीजिए वहाँ पे पश्चात भाविना कार्यना संबंध विधुर अनपर है ना ऐसा लगाना पड़ेगा ठीक है फिर आपके बाद है अनंतर अनंतर का मतलब पहले अंतर क्या है अंतर मतलब छिद्र इंटर मॉलिकुलर स्पेस नहीं बोलते हैं वो स्पेस भी इसमें नहीं है तो इसलिए हमें बोलते हैं अंतर क्षेत्र तत्शून्य किसी प्रकार के स्पेस उसके अंदर नहीं ठोस प्रज्ञान घन एव चेतनता से भरा हुआ है शून्य इसलिए अनंतर क्या है वहाँ पे चित एक रस ठीक है ना चैतन्य से भरा हुआ एक रस है तस्य एव प्रत्यक्तम और वो कहाँ है स्वरूपभूत होकर के विद्यमान है वही तत्व जो है स्वरूपभूत होकर के विद्यमान इसलिए बोलते हैं प्रत्यक मतलब इसलिए कहा अबाह्यत्वम मतलब वहाँ पे बाहर पर नहीं है वो अंदर ही विद्यमान वस्तु है अंदर विद्यमान वस्तु अबाह्यत्वम ये हो गया आपका अपूर्व अनपर अनंतर अबाह्य तो वहाँ पे एक पद आप लिख लीजिए अपने समझने के लिए पश्चात भाविना कार्येन संबंध विदुर इति अनपर ठीक है अंतर अब अंतर मतलब हो गया छिद्र और उससे रहित हो गया तत्शून्य से अनंतर जिसके अंदर कोई छिद्र नहीं है मतलब ठोस है संचित एक रस घन तस्य एव प्रत्यक्त हमारा ही जो हमारा स्वरूपभूत है हो गया अबाह्यत्वम ये हो गया मतलब हमारा इसके अंदर दिखा आत्मा को स्वरूप को दिखा कार्य कारण असंस्पृष्ट उभय कल्पना अधिष्ठान तेत अधिष्ठान तेन तत् अर्थांतरत्व आह अब जो है यह देखिए सब आई हाँ आगे लेकर के कार्य कारण असंस्पृष्ट ठीक है ना कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है उसका कोई कारण भी नहीं है कोई कार्य भी नहीं है आत्मा का कोई कारण भी नहीं है आत्मा का कोई कार्य भी नहीं है इसलिए कार्य कारण दोनों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है उभय असंस्पृष्ट परंतु दोनों की कल्पना के अधिष्ठान है कार्य कारण भाव की कल्पना के अधिष्ठान ठीक है इसलिए बोलते हैं अपने आप तो कार्य कारण रूप नहीं है ना किसी का कारण है ना किसी का कार्य है परंतु जितना कार्य कारण विश्व पश्यति कार्य कारण ऐसा स्वामी संबंध तो सबका अधिष्ठान ही है इसी अस्पृष्टम के कार्य कारण अस्पृष्टम उभय कल्पना अधिष्ठान तेन तत् अर्थांतर इसलिए कार्य कारण से भिन्न रूप होने के कारण ये अस्वाह जो है कार्य कारण दोनों से भिन्न है इतने होते हुए भी अभ्यस बाह्य अभ्यंतर अंदर भी है बाहर भी है ना और परंतु वो जन्म से रहित है ठीक है आज यहीं पर रखते हैं कल देखेंगे भगवद गीता क्लास भी एक्सप्लोर कर लेंगे फिर अच्छा तीसरा वाला जत्प्रज्ञालोकाभासा प्रतिहत्यगमत्सान्दस्तमान्धकारो मनश्चोमज्जचोरेश्वसहितकृत्वोजनुदन्वतित्राशते